नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गंभीर प्रकृति वाले वास्तु दोष, गंभीर प्रकृति जो आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दे, वैसे वास्तु दोष को हम गंभीर प्रकृति वाले वास्तु दोष में रखते हैं। वास्तु में कुछ क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र से जोड़कर देखा गया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या होने से ये आपके आर्थिक क्षेत्र पर सीधा अटैक करता है। ये कॉर्नर है अग्नि का क्षेत्र। अग्नि कोण में यदि दोष हो तो गंभीर प्रकृति की समस्या उत्पन्न होती है, धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ये जो क्षेत्र आता है आपके वास्तु के अनुसार, ये जो क्षेत्र आता है ये करीब करीब 22.5 डिग्री का क्षेत्र आता है। जब इसे हम 16 जोन में बांटते हैं तो ये 22.5 डिग्री का जो जोन आता है अग्नि कोण का जोन, इस क्षेत्र में यदि दोष है तो गंभीर प्रकृति का यदि दोष है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके धन के स्रोत पर। अर्थात हो सकता है कि आपके आय का स्रोत ही बंद हो जाए या आपके आय का स्रोत कम हो सकता है। आप सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, आपके नौकरी में समस्या, आपके व्यवसाय में अचानक से समस्या आने लगे या धीरे धीरे से आपकी व्यवसाय बंद हो जाए, कारोबार डूबने लगे, साथ में कोर्ट केस की समस्या हो जाए, तो इसका अर्थ है आपके अग्नि में समस्या है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में ध्यान देने के बाद है समस्या उत्पन्न करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके मूल कारण है इस क्षेत्र में टॉयलेट का होना। शौचालय बाथरूम यदि इस क्षेत्र में बना हुआ है अग्नि के क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में डीप नीला कलर का प्रयोग गंभीर दोष उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में काले रंग का प्रयोग गंभीर दोष उत्पन्न करता है। तो ये तीन ऐसे दोष हैं यदि इस क्षेत्र में हो जाए मूल रूप से तो धन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। और इस क्षेत्र में यदि डोर बना हुआ हो, जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्व का डोर, इस क्षेत्र का द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता है, वित्तीय समस्या उत्पन्न कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, साथ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये ला सकता है। अब आइए हम मान लीजिए जब समस्याएं हैं तो उसके समाधान क्या क्या होंगे, हम उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इस क्षेत्र में टॉयलेट बन गया है, यदि आप इसे हटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं तो अच्छा है। यदि संभव नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ जो टॉयलेट सीट आपका लगा हुआ है इस क्षेत्र में, इसके कुछ ट्रीटमेंट है। जैसे कॉपर के वायर आते हैं मार्केट में, वास्तु के नाम से ऑनलाइन भी उपलब्ध है या फिर आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। कॉपर के स्ट्रिप आते हैं, वायर नहीं स्ट्रिप, स्ट्रिप का अर्थ होता है पत्ती। इसे क्या करना है कि इसे इस प्रकार से काट के इसके चारों तरफ से स्ट्रिप यहाँ पक्की में काट कर इसे स्ट्रिप लगा देना है और उसे बंद कर देना है। पूरा गहरा में नहीं देना है, वो स्ट्रिप लगा देना है। थोड़ी सी 1 इंच चौड़ी पट्टी आती है 1.25 इंच की, इस प्रकार से लगा दे। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा यहाँ क्या उपाय कर सकते हैं, उससे भी आसान उपाय जिसमें तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, रेड टेप का प्रयोग। ये रेड टेप आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, 4 इंच चौड़ी ये टेप होती है। इस प्रकार से आपको टॉयलेट सीट के चारों तरफ में लगा देना है रेड टेप, 4 इंच चौड़ी है। ये आपको अमेजन पर या अन्य भी जगह ऑनलाइन मिल जाएगी या लोकल मार्केट में भी मिल सकती है, या आपके यहाँ जो आप देखते हैं वो गाड़ी का सीट रिपेयर करने वाला, उनके पास भी इस तरह की प्रकृति वाले टेप उपलब्ध होते हैं। तो ये स्ट्रिप लगा, ये टेप आप लगा सकते हैं, ये रेमेडीज का वर्क करता है। और क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अन्य कोई वास्तु की समस्या हो, क्या क्या समस्या हो सकती है। इस क्षेत्र में आपने कक्ष बना रखे हैं तो ये अग्नि का क्षेत्र है। यदि इस कक्ष में और व्यक्ति थोड़ा सा क्रोध होने वाला है तो उस व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देगा, उत्तेजना को बढ़ा देगा, अनावश्यक कलह उत्पन्न करेगा। इस कॉर्नर पर रहने वाले व्यक्ति यदि लंबे समय तक इसके कक्ष में रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार की समस्या आ सकती है।
यदि आपके घर में कोई सरल स्वभाव का कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, सीधा है, कहीं खुलकर बोलता नहीं है, हिचकिचाता है, वैसे व्यक्ति को यदि इस कॉर्नर वाले कक्ष में आप स्थान दे देते हैं तो उस व्यक्ति में सुधार आने की संभावना है। परंतु जो व्यक्ति आपके घर में क्रोधित होने वाला है, तुक मिजाजी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को इस कॉर्नर वाले जगह पे बिल्कुल स्थान न दे, उसके क्रोध को बढ़ा देगा। अन्य समस्या की बात करें तो यहाँ जो समस्या आती है बोरवेल की समस्या। आपने इस क्षेत्र में बोरवेल बना रखा है, वेल बना रखा है, कुआं बना रखा है, तो अग्नि और जल क्या है, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति की है। ये एक बड़ी समस्या होती है। तो सबसे अधिक अच्छा होगा कि इस बोरवेल को बंद करें, इस क्षेत्र में कहीं बोरवेल बना लें। यदि संभव ना हो बंद करना तो प्रयास करें कि इस क्षेत्र में एक एक्वेरियम स्थापित कर लें, एक भूमि के ऊपर जल की टंकी स्थापित कर सकते हैं, इस क्षेत्र में आप फाउंटेन लगा सकते हैं। ये दो तीन उपाय यदि इस क्षेत्र में आप कर लेते हैं तो इसके दोष को वो कम करने का प्रयास करेगा। ये चीज़ें कर सकते हैं। अग्निकोण में आइए, एक बात हमने किया था, यहाँ पर डोर बना रखा है, द्वार। यहाँ पर यदि द्वार बना रखा है तो ये वित्तीय समस्या देता है, हेल्थ संबंधी भी समस्या देता है, तो इसके उपाय क्या हैं। डोर का कलर आप रेड रख सकते हैं, मैरून रेड भी रख सकते हैं। इस क्षेत्र में जो आपकी डोर बने उस पर पर्दे का आपको प्रयोग करना है, वो पर्दा होगा रेड या मैरून कलर का। साथ में डोर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए, कॉपर का स्वास्तिक लगा सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिंदूर से भी निर्माण कर सकते हैं। दोष से बचने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र इस क्षेत्र में लगा सकते हैं। आग्नेय कोण के दोष को दोष से बचने के लिए एक छोटा सा रेड बल्ब लगा सकते हैं इस क्षेत्र में, जो हमेशा जलता रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की उपाय है आपकी साउथ और ईस्ट कॉर्नर वाले क्षेत्र को। ये क्षेत्र है गेन का क्षेत्र। जैसे नॉर्थ क्या होता है, आपका नॉर्थ का दिशा क्या होता है, धन के आने का क्षेत्र होता है। नॉर्थ अच्छा रहेगा तो आपके क्या होगा कि धन पैसा आएगा अवश्य, और साउथ ईस्ट यदि अच्छा रहेगा तो पैसा क्या है कि आपके पास आएगा और पैसा बना भी रहेगा। तो आज के अंक में देखा कि अग्नि कोण में समस्या होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मूल रूप से वित्तीय समस्या ये उत्पन्न करता है, आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। अब हमने कह दिया आपने अग्निकोण वाले शौचालय को तोड़ दिया फटाफट, ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी भी तोड़फोड़ करने से पूर्व आप अपने घर की मेजरमेंट को अवश्य देख लें। ये केंद्र है और ये है नॉर्थ। नॉर्थ अर्थात नॉर्थ 0 डिग्री यदि यहाँ पर है, या नॉर्थ 360 डिग्री आपके बिल्कुल उत्तर में है, तो आप अपने अग्निकोण को डिग्रियों के अनुसार तय करें। यदि आपकी दिशा घूमी हुई है, हो सकता है कि यहाँ नॉर्थ आती हो, 20 डिग्री का मूवमेंट है बहुत अधिक, हमने देखा है 80% मामलों में ऐसा ही होता है कि दिशाएं घूमी हुई रहती है। तो अब घूमी हुई दिशाएं हैं तो उसके अनुसार हम अग्निकोण या अन्य चीज़ों को तय करेंगे। यदि दिशाएं घूमी हुई है तो क्या होगी, अब यहाँ इसके उत्तर हैं, यहाँ दक्षिण है, तो इसका पूर्व कहाँ होगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, अर्थात ये अग्नि का क्षेत्र अब नहीं रहा, ये पूर्व का क्षेत्र हो गया। 45 डिग्री यहाँ से लेंगे ये अग्नि का क्षेत्र हमारा आएगा। इस प्रकार से हम दिशाएं तय करते हैं। तो दिशाओं को तय कैसे करना है, ये हो गई, चलिए मैं फिर से एक बार बता दूँ, ये नॉर्थ 0 डिग्री, ये 180 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री पर पूर्व, 270 पर पश्चिम, 360 पर पुनः उत्तर। अब डिग्रियों में बांटकर हम ये तय कर सकते हैं कि दिशाएं कहाँ हैं, उसके बाद ही किसी प्रकार का घर में परिवर्तन करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।